शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। केसरिया वालों आओ हमारे देश, केसरिया वालों आओ हमारे देश। मन का आंगन सुना सुना देश भयो पर दे, केसरिया वालों आओ हमारे देश, केसरिया वालों आओ हमारे देश। आज मैं अपने इस भयानक अतीत को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। बेटा, अतीत की तो परछाइयां भी आदमी को परेशान कर देती हैं। अगर तुम इस भयानक अतीत की तस्वीरों से ही घिरे रहोगे तो कैसे उभरोगे? कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना। फिर भी इन तस्वीरों से घिर कर सोचने बैठोगे तो सिवाय दर्द के कुछ और नहीं पाओगे। कई बार ना चाहते हुए भी जिंदगी की सलेट को मिटाकर साफ करना पड़ता है, ताकि फिर से उस पर अपने और अपने परिवार वालों के खुशियों के अक्षर लिख सको, एक नया वाक्य बना सको। मिटा दे इस सलेट को, वरना इसके एक एक शब्द तेरा जीना मुश्किल कर देंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो मासा, बिल्कुल ठीक। आज इन पेंटिंग्स को मैं मिटा कर दूंगा, सब मिटा दूंगा इनको। कमल आइए जी,
कमल ने थारे से एक बात करनी है। हाँ आइए जीजी पधारिए। कमल जी बोले। इस हेली में जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। मैं तो इस हेली के एक कमरे में पड़ी रहती हूँ, हेली की बातों में दखल नहीं देती। पर आप लागे हैं अगर कुछ नहीं बोलूंगी तो अपना फर्ज नहीं निभाऊंगी। बोलिए ना जीजी क्या बात है। तू भी एक औरत है, जरा सोच रुक्मी के बारे में। उसका अपमान करके 2 दिन भी नहीं हुए उसे हेली से निकाले हुए, और तुम लोग रणवीर के दूसरे ब्याह रचाने के बारे में सोच रहे हो। मारे बेटे के जीवन में जो तूफान है उसे नहीं समझना चाहती हैं? मैं समझू हूँ रणवीर की तकलीफ। नहीं नहीं समझती हैं आप। बेटे का दर्द समझने के लिए बेटा पैदा करना पड़े। अगर भगवान ने मन्ने श्राप के साथ पैदा नहीं किया होता तो मैं भी अपनी औलाद को जन्म देती, तब मन्ने थारे सामने ऐसे विनती करके नहीं आना पड़ता। जेठानी होने के नाते मैं थारे को हुक्म देती और तन्ने मारी आज्ञा का पालन करना पड़ता। माफ करना चीची, मैंने ऐसा सोचकर नहीं कहा था। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि आप मारी जगह होती तो अपने परिवार के अलावा बाहर वालों के बारे में सोचती तक नहीं। परिवार बढ़ता ही तब है जब एक लड़की बाहर से आती है। हमारी चीची को उनकी खुशियां दे दो माता रानी। हमारे हिस्से की खुशियां चीची की झोली में डाल दो। चीची के साथ जो हो रहा है उसकी वजह मैं ही तो हूं। हमारा जीवन उनके बलिदान का ऋणी है। हमें अपनी चीची का कर्ज उतारने का मौका दे दो माता जी महाराज। दुविधा चल रही है वो बतावेगी नहीं मन्ने? कुछ दुविधा का निवारण आसानी से ना हुए विक्रम, पर किसी को बताने से बात करने से मन हल्का हो जावे। ये बताओ विक्रम, कुछ रास्ते मंजिल पर पहुंचते दिखाई ना देवे, इसके बीच कई जिंदगियां मंजिल की खोज कर रही है। देख रहा साहब, हमारे पास कुछ ही दिन बचे हैं और मैं अपने मंजिल के करीब आकर खाली हाथ नहीं लौटना चाहता। चलो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। मैं चलती हूँ, घर पे माँ इंतजार कर रही होगी। इससे क्या हो गया? हाँ बिल्कुल सही कहती थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अरे पापा, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। इसीलिए तो आया हूं थारे पास। जब लगा कि तुम देख कर भी नहीं देख रहे हो तो सोचा थारे से बात करूं। मैं कुछ समझा नहीं। देखो बेटा, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। इसमें सिर्फ थारी तो गलती ना थी, हम सभी किसी ना किसी हद तक शामिल थे। इसीलिए बेटे कहता हूं एक नई शुरुआत करो। पापा, मेरी जिंदगी इतनी तेजी से आगे बढ़ी है कि मुझे लगता है अब ठहराव की जरूरत है, पर ना कहीं ऐसा ना हो कि चलते चलते मैं इतना आगे निकल जाऊं कि जब मुड़ के देखूं तो फिर ठोकर खा बैठूं। पर तुम पीछे मुड़कर देखना ही क्यों चाहते हो बेटा? आगे बढ़ो, तुम्हें नई मंजिलें नए साथी मिलेंगे।
पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही ना पड़ेगी। नई मंजिलें, नए साथी, आप कहना क्या चाहते हैं पापा? बेटा, मैं, हरी माँ, आया सा, सब तुझे एक बार फिर से हंसता खेलता देखना चाहते हैं। हमारा बेटा हम सबकी उम्मीदें पूरी करेगा ना? अरे मैं थारे से पूछ रही हूँ, कहाँ था दिन भर? थारे बापू 10 बार पूछ चुके हैं थारे बारे में। मैं गांव में ही तो था। क्या कर रहा था गांव में? आज से पहले तो आपने माए से कभी भी नहीं पूछा। अरे तू समझता क्यों नहीं है, आज से पहले हमारे हालात ऐसे ना थे। कहीं गलती से कभी थारे मुँह से निकल गया कि ये निकला? अब मारे मुँह से बात मत निकला। अरे बोलते हुए भी डर लगी है। बैठ उठे, खबरदार कहीं गया तो। तू क्यों माँ की डांट खाता है? कटे था दिन भर। मैं तो आता जाता था, पर सबसे चुप कर। चुप कर क्यों? आओ आप मायसा। अरे के कर रहा है? मन्ने किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा। आओ आप। अरे आओ। ये देखो जीजी, मैं दिन भर तालाब जाकर आपके वास्ते मिट्टी ला रहा था। मारे वास्ते? हाँ, आप फिर से मूर्तियाँ बनाओ जीजी, आपका मन फैल जाएगा। मैं अपने जीजी को बंद कमरे में नहीं देखना चाहता। मैंने बहुत रोना आवे जीजी आपको बंद कमरे में देखकर। दादी सा, आपके वास्ते खाना लेके आई हूँ। बड़े ठाकुर सा का हुकुम है दादी सा। माँ अपने बच्चों की जीत के आगे मजबूर हो गए है, उसके हुकम के आगे नहीं। जिसे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, वो आज हुकम चला रहा है हमारे पर। हुकुम नहीं, विनती है माँ सा। एक बेटे की चिंता है अपनी माँ सा के लिए। बस मारे से भूल इतनी हुई कि ये खाने की थाली मारे को लेके आनी चाहिए थी। जिस तरह बचपन में आप खाना लेकर मारे पीछे दौड़ती थी, याद है आपको मासा? चलिए आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। थारा भी दिल टूट जावे, ऐसी कोशिश मत कर भवर। बीते कुछ दिनों में जो कुछ भी सहेली में हुआ है, जब तक उसका सही फैसला नहीं हो जाता, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। मासा, मैं भी तो उन्हीं भूलों को सुधारने में लगा हुआ। आप देखिएगा मासा, कि बस 2-3 दिनों में ही रणवीर की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि इस बार मैं खुद जाकर पहले लड़की को देखूंगा। खुद जाकर लड़की को देखोगे मतलब? मासा, पुरोहित जी ने एक गरीब किसान के बारे में बताया जिसकी 6 बेटियां और रुक्मणी से कई ज्यादा सुंदर। वाह, एक अबला के माथे का सिंदूर छेड़कर दूसरी गरीब छोरी की मांग भरवाना चाहे हो? वो धोखा था मासा, छल किया गया था रणवीर के साथ और हमारे साथ। कल को उस छोरी का जला हुआ मुंह देखकर लोग सवाल उठावेंगे, आखिर क्या कमी थी हमारे रणवीर में जो ऐसे दरिद्र की बदसूरत बेटी के साथ ब्याह करवाना पड़ा। तब हम क्या जवाब देंगे मासा? मैं भी तो वही जवाब तलाश कर रही हूँ भवर। आज सवाल उस छोरी की जिंदगी का भी है, उसके दिल से निकलने वाली हाय का भी है, और माता जी महाराज की ज्योत का भी है। मारा मन डरता है कहीं पंडित जी की कही बात सच ना हो जाए। रुक्मी के इस घर से जाते ही, रणवीर के जीवन से जाते ही
माताजी महाराज की जोत बुझ गई। कहीं रणवीर के साथ कोई अनहोनी। देख ये हो रहा है ये सब। ये हुआ भाई साहब, तुम भी रणवीर के दूसरे ब्याह के खिलाफ हो? भाई साहब, मैंने रणवीर से बात करने की कोशिश की, पर भाई साहब मनने को नहीं लगता है कि रणवीर इस बात को स्वीकार करेगा। इसीलिए हमें एक बार फिर इस फैसले पर गौर कर लेना चाहिए। देखो मेघ, हर घाव का तुरंत इलाज हो जाना चाहिए, नहीं तो वो घाव नासूर बन जावे। रुक्मणी से रणवीर के ब्याह के बाद समाज में सिर उठा के चल फिर सके, उसके लिए यही इलाज है कि तुरंत रणवीर का दूसरा ब्याह करवा दिया जाए। ठीक है भाई साहब, मैं रणवीर से एक बार फिर बात करता हूं। नहीं, इस बार रणवीर से मैं बात करूंगा और अपने तरीके से, पर उससे पहले तुम हमारे साथ उस किसान के घर में चलते। इस बार ब्याह से पहले हम दोनों छोरी को देखेंगे। ठीक है भाई साहब। अभी साहब, मैं हूँ रणवीर। हाँ मन्ना साहब, आइए आइए मन्ना साहब। आपकी तबीयत अच्छी देखकर बड़ी खुशी हो रही है हमारे को। भाभी साहब, अगर आप पुराना माने तो मैं एक ड्रिंक पीना चाहता था, मिल सकती है? आइए पन्ना साहब बैठिए। मंजू, बनासा, ये शराब आपके दर्द की दवा को नहीं। शराब के दर्द का है? दवा तो ये मारे दर्द की भी नहीं है बनासा, पर मैं एक औरत हूं, इस हवेली के मर्दों से शिकायत ना कर सकती, इसलिए समय काटने के लिए मुझे इसका सहारा लेना पड़ा। और मैं इसका सहारा लेता हूं ताकि उन लम्हों को बुला सकूं जिसमें वो मेरे साथ थे। अब के परेशानी, अब तो वो चली गई। उसने जो कुछ भी आपके साथ किया वो खुद भुगत देखिए। आपको क्या फर्क पड़ेगा, आप तो मर्द हो। क्या भाभी साहब, एक ड्रिंक मांगी थी आपसे और आपने भाषण देना शुरू कर दिया। जीने की चाह में मर जाते हैं लोग, एक हमें जो मरने की चाह में चिंता है। मैंने तो लगा था कि रणवीर के दूसरे ब्याह की बात सुनकर तू खुश हो जाएगा, इसलिए तुझे पीछे बिना मैंने लेट्स गो कर दिया और जीजू साने भी लेट्स गो कर दिया। लेट देम गो। मैं नहीं चाहूंगा कि रणवीर रुक्मी के ब्याह के सदमे से कभी बाहर निकल पाए। आप लोगों ने सोचा? सोचा भी आप लोगों ने? अगर हमारे बापू ने रणवीर का दूसरा ब्याह कर दिया तो क्या होगा? वो पहले जैसा रणवीर बन जाएगा तो क्या होगा? हमारे हाथ को छड़ी लगेगा। मैं तो रणवीर की जिंदगी में खाई खोद रहा था, मैं ही उसमें पड़ गया। तो फिर जल्दी से कुछ सोचो और रोको इस ब्याह को। मामू साहब, रणवीर के दिमाग में रुक्मी का खौफ बनाए रखना होगा, उसे किसी भी लायक नहीं छोड़ना है हमें। भाई साहब,